टॉप नाइन में सबसे पहले बात किसानों की। क्या किसान आंदोलन के दौरान माहौल खराब करने की बड़ी साजिश की गई थी? चार किसानों की हत्या करने की साजिश का खुलासा किसने किया? किसान कृषि कानून को रद्द करने पर अड़े तो दूसरी तरफ सरकार ने भी किसानों को दो टूक कह दिया। अब बात तभी होगी जब सरकार के डेढ़ साल तक कानून को स्थगित करने वाले प्रस्ताव पर वो राजी होंगे। तो आइए इन खबरों के साथ देखते हैं पीएम मोदी आज असम और बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, क्या है उनके एजेंडे में। टॉप नाइन राष्ट्र। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कल रात एक ऐसे युवक को पकड़ा जो वहां रेकी कर रहा था। किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने दावा किया कि सरकारी एजेंसियों द्वारा आंदोलन को खत्म करने के लिए बड़ी साजिश की जा रही है। पकड़े गए युवक ने भी दावा किया कि उसे चार किसानों की हत्या करने को कहा गया था। किसान नेताओं ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। किसानों के आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए युवक ने किसान नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 26 जनवरी को किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च के दौरान भगदड़ फैलाने और माहौल खराब करने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। उसके लिए उसे 10,000 रुपये मिलने थे। पकड़े गए युवक ने दावा किया कि उसे ये सब राई थाने के SHO प्रदीप सिंह ने सिखाया था। वो हमेशा चेहरा ढके रहता था। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत भी नाकाम रही। किसानों ने सरकार के 1.5 साल तक कानून को लागू नहीं करने के प्रस्ताव को नहीं माना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकती, कुछ ताकतें किसानों का भला नहीं चाहती। केंद्र सरकार के सख्त रवैये के बाद किसानों ने कहा कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम कर रही है। हम बातचीत से पीछे नहीं भागते, लेकिन हमें कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार किसानों को बेवकूफ बना रही है। किसान नेताओं ने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद वो गांव-गांव जाकर कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार के कानून को वापस नहीं लेने की जिद को अमानवीय बताया। अमरिंदर सिंह ने कहा कि आंदोलन के दौरान 76 किसानों की जान जा चुकी है। जान गंवाने वाले पंजाब के किसान के परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद और 1 सदस्य को नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम एक स्थायी प्रदर्शनी और नेताजी पर एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मोदी एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाएगी। आज इस मौके पर कोलकाता के श्याम बाजार से नेताजी प्रतिमा तक पुलिस बैंड के साथ रैली निकाली जाएगी। 26 जनवरी को नेताजी के जीवन पर आधारित थीम पर एक झांकी भी प्रदर्शित की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले आज असम दौरे पर जा रहे हैं। पीएम शिवसागर जिला स्थित जरेंगे पठार में 1.6 लाख भूमि पट्टा अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बांटेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी आदिवासी समुदाय को जमीनों का पट्टा देकर बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे।